हेलो क्लास, आज हम जिस टॉपिक के साथ रेडी हैं उसका नाम है एनजीपी। एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ पर कुछ नेवर्स की बात होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना कि इस रिएक्शन को हम जस्ट SN2 के बाद पढ़ते हैं क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी SN2 से मिलती है। तो आइए देखते हैं, अगर हम रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 दोनों को देखें तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन 1 और 2 में जो रिएक्टेंट यूज हुआ है वह 1° अल्काइल हैलाइड एंड अ स्ट्रेट चेन कार्बन। फर्स्ट यहाँ पे क्लोरीन को हटाकर OH आया है, एल्कोहलिक KOH, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। बट फिर भी यहाँ पर जो डेटा हमें लैब में मिला उसमें देखा गया कि रिएक्शन 1 600 टाइम्स फास्टर देन रिएक्शन 2। ऐसा क्या रीज़न था कि रिएक्शन 1 600 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है रिएक्शन 2 के? दोनों ही रिएक्शन को अगर बच्चे देखें तो वो कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शन SN2 का है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है वह NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और रिएक्शन 2 इज SN2 है। सेकेंड रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्लोरीन निकला, OH- ने उसके कार्बन पर अटैक किया और इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। बट रिएक्शन 1 600 टाइम्स फास्ट है और ये रिएक्शन SN2 नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया है जो NGP के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि रिएक्शन 1 में एक एक्स्ट्रा फैक्टर है सल्फर, यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। तो NGP के लिए जो मेन क्राइटेरिया है उसको चेक करने से पहले हम SN2 को समझ ले कि मान लीजिए आपके पास 1° हैलाइड है और यहाँ पर क्लोरीन जब निकलेगा तो OH- बैक साइड से अटैक करके इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा और यहाँ पर SN2 समझ में आ रहा है। अगर हम इस सेम रिएक्शन को इस रिएक्टेंट 1 मॉलिक्यूल के साथ करें तो यहाँ रिएक्शन में चेंजेस है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है, यहाँ पे रिटेंशन हुआ है, जबकि लास्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है, मतलब ब्रोकन लाइन से क्लोरीन हटकर OH का सब्स्टिट्यूशन हुआ है डार्क लाइन पर, जबकि यहाँ पर क्लोरीन गया तो ब्रोकन लाइन से है और OH जो हमारा इनकमिंग ग्रुप है वो भी सेम ब्रोकन लाइन पर आया है, तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ सकता है कि KOH एल्कोहलिक के प्रेजेंस में ब्रोमीन हटकर KOH आया है और यहाँ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। और अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन है क्योंकि ब्रोमीन को रिप्लेस किया है OH ने, बट इन्वर्जन, तो सेकेंड रिएक्शन SN2 है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो NGP है। आइए हम डिफरेंस समझते हैं। NGP में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, 600 से लेके 1600 और 2000 टाइम्स तक रिएक्शन फास्ट होते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ SN2 होता है एंड इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मैकेनिज्म के ऊपर जाएं तो हम देख सकते हैं कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर KOH एल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है, KOH मतलब यहाँ पे OH- होगा, लेकिन बाहर का न्यूक्लियोफाइल से पहले सल्फर एज एन न्यूक्लियोफाइल जो कि एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले समझ लो, या तो ये कोई नेगेटिव चार्ज होगा या तो ये लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर सल्फर का लोन पेयर जो कि एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्लोरीन रिमूव होगा। पहले स्टेप में आप देख सकते हो कि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक रिंग बनेगी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम स्टेप 1 बोले इसको,
तो स्टेप वन में सिंपल SN2 रिएक्शन हुआ है। अब क्या होगा कि रिंग बनने के कारण यहाँ पे होता है रिंग स्ट्रेन। तो इस रिंग स्ट्रेन को खत्म करने के लिए KOH एल्कोहलिक अब OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर और रिंग हो जाएगा ओपन। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये। यहाँ पर स्टेप टू में भी SN2 रिएक्शन हुआ है, मतलब टू टाइम्स SN2 हुआ है। मतलब एक बार स्टेप वन में जब SN2 हुआ तो कन्फिग्रेशन इन्वर्जन होगी, लेकिन जब सेकेंड स्टेप में SN2 होगा तो फिर से वह रिटेंशन हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हो, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हो तो हमें इनेंशियोमर्स मिलते हैं, या आप बोल सकते हो कि अगर रिटेंशन है तो वहां इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ SN2 हुआ तो पहले फर्स्ट से सेकेंड स्टेप में इन्वर्जन, बट सेकेंड से थर्ड स्टेप में पहुंचने के लिए फिर से इन्वर्जन, और अगर वन रिटेंशन है तो थर्ड प्रोडक्ट जो आएगा वो भी हमारा रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। मतलब टू टाइम्स SN2 होता है तो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आता है, अगर वन टाइम SN2 होता है तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बच्चों, तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर सल्फर के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है, पर सल्फर के साथ H भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन से सब पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्योंकि OH हो या SH हो, ये सारे ग्रुप के पास जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है ये एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा कि यहाँ पर जो QH हमारा प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं करेगा, यहाँ पे इट विल एक्ट एज अ बेस। तो क्या करेगा, वो इस H को निकाल देगा। जब इस H को वो निकालेगा तो हमारे पास सल्फर के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहां पर फर्स्ट स्टेप में पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, देन इंटर न्यूक्लियोफाइल ने एज अ एनजीपी काम करके SN2 रिएक्शन दिया है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो दिया हुआ हमें QH या स्ट्रॉन्ग बेस है वो वहां पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है या बेस के जैसा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसलिए पहले KOH ने उसके H को रिमूव किया है, एब्स्ट्रैक्ट किया है, देन यहाँ पर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है और उसने क्लोरीन को रिमूव किया और यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हुई है। ये रिंग टूट नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी KOH ने यहाँ पर पहले ही फर्स्ट स्टेप में बेस का काम कर दिया है।